वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टेरिटोरियलिटी है और ये इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर का टॉपिक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। अ टेरिटरी इज एन एरिया ऑक्यूपाइड मोर और लेस एक्सक्लूसिवली बाय एन एनिमल और ग्रुप। कोई भी एनिमल या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, अपने एक एरिया बना लेता है। उस एरिया के अंदर वो कहता है कि उसी एरिया में जितने भी रिसोर्सेज होंगे, फूड, वाटर और मेट्स होंगे, वो सभी उस एरिया के उससे बिलोंग करेंगे। तो उसी चीज़ को टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी जो रहती है उसको डिफेंड करने के लिए जो एनिमल रहता है वो कभी कभी ओवर एग्रेशन तक भी शो कर सकता है या फिर उसका एडवर्टीजमेंट भी करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि जो कॉफमैन ने 1971 की बात थी, उन्होंने टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए कहा था, एन एरिया इन विच द रेसिडेंट एनिमल इंजॉयज प्रायोरिटी ऑफ एक्सेस टू लिमिटेड रिसोर्सेज दैट इट डज नॉट इंजॉय इन अदर एरियाज। एक ऐसा एरिया जिसमें कोई भी एक रेसिडेंट एनिमल जो वहाँ रहने वाला एनिमल है वो क्या करेगा, उस टेरिटरी को अपना बना लेगा और फिर वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस है उसको पूरी तरीके से अकेले इन्जॉय करेगा और उसमें लिमिटेड भी रिसोर्सेज होंगे तो भी वो उसी के माने जाएंगे। तो ये कॉफमैन की डेफिनेशन थी टेरिटोरियलिटी को लेकर। सम एनिमल्स एग्जिबिट टेरिटोरियलिटी, दे डिफाइंड अ टेरिटरी अ पोर्शन ऑफ होम रेंज ऑफन अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स ऑफ देयर स्पीशीज एंड समटाइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज। मैनी स्पीशीज आर टेरिटोरियल फॉर ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। कभी कभी कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है एनिमल की जो पूरी उनकी लाइफ के अंदर ऐसा काम नहीं करेंगी कि टेरिटरी बनाकर रहेंगी, बल्कि कुछ पार्ट ईयर का ऐसा होता है या साल में कुछ एक ऐसा टाइम आता है जब वो टेरिटरी बनाने का काम करती है। फिर उसके बाद ऑफन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन बट अदर्स आर टेरिटोरियल थ्रू आउट द ईयर। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि टेरिटोरियल हो सकते हैं पूरे साल भर के लिए भी। टेरिटोरियलिटी हैज़ बीन पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड रिसोर्सेज दैट अकर इन स्मॉल एरियाज दैट कैन बी डिफेंडेड। तो ज़्यादातर एनिमल्स इतनी बड़ी टेरिटरी बनाने का काम करते हैं जितनी कि वो डिफेंड कर सके, जितने का वो ध्यान रख सके, ना कि कुछ ज़्यादा बड़े एरियाज बना लेंगे। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, यूजुअली टेरिटोरियल बिहेवियर इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल ऑफ द एनिमल एंड टू वॉट एवर एस्पेक्ट ऑफ इट्स इकोलॉजी इज मोस्ट क्रिटिकल टू इट्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है कि जो सी बर्ड्स होते हैं मे रेंज ओवर हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ओपन वाटर बट एग्जिबिट टेरिटोरियल बिहेवियर ओनली एट क्राउडेड नेस्टिंग साइट्स ऑन एन आइलैंड। अगर सी बर्ड्स को देखा जाए, जो समुद्र के पक्षी होते हैं, वो अपनी जो रेंज रहती है उसको हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक बना सकते हैं ओपन वाटर में, क्योंकि पूरा पानी जितना भी है, पूरा जो सी है वो पूरा उनके लिए हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अपना टेरिटोरियल बिहेवियर जो शो करते हैं वो किसी भी क्राउडेड नेस्टिंग साइट्स पे ही शो करते किसी आइलैंड के। तो यहाँ मान लीजिए कोई आइलैंड है और यहाँ पूरा ओशन या फिर सी है, तो वो पूरे ओशन और सी पे अपनी टेरिटरी नहीं बनाते हुए जो आइलैंड है वहाँ पर एक क्राउडेड एरिया के अंदर ही अपनी टेरिटरी बनाना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहता है, जो नेस्टिंग साइट्स होती है आर देयर स्केर्सेस्ट रिसोर्स एंड द वन फॉर विच कॉम्पिटिशन इज कीनेस्ट। जो इनकी नेस्टिंग साइट होगी यानी कि जहाँ पर ही अपना रहने का घर बनाएंगे, वो उस एरिया में रिसोर्सेज भी बहुत कम पाए जा सकते हैं और दूसरी बात यहाँ जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं टेरिटोरियल स्पीशीज़ जिनको हम कह सकते हैं, दैट फेल टू ऑप्टेन अ टेरिटरी ऑफन मेक नो कॉन्ट्रीब्यूशन वॉट्स होवर टू फ्यूचर जनरेशन। जो एनिमल्स टेरिटोरियल हो सकते हैं और या फिर टेरिटोरियल स्पीशीज़ के अंदर बिलोंग करते हैं, अगर वो अपनी टेरिटरी नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके बारे में ये जो पॉइंट है इसको कहने वाले साइंटिस्ट है बेगोन एट ऑल 1996। जो डिफेंस होता है एक टेरिटरी का ऑफ सम सॉर्ट इज इन फैक्ट अ कॉमन फीचर ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी स्पीशीज। तो ये जो डिफेंडिंग होती है टेरिटरी की, ये एक तरह का कॉमन फीचर है जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है बहुत सारी स्पीशीज के लिए। अगला हमारा जो टॉपिक है अब है कैटेगरीज ऑफ टेरिटरी। तो जो विल्सन 1975 थे, उन्होंने टेरिटरीज को फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया था, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी टेरिटरी। ए टेरिटरी जो होती है उसका मतलब ये होता है एक ऐसा एरिया जो कि रेस्टिंग
फीडिंग रेस्ट लेना, फीड करना खाना खिलाना, नेस्टिंग अपना नेस्ट बनाना, मेटिंग, ये सारी चीज़ों के लिए बनाया जाता है। ऐसा एरिया जो इन सारी चीज़ों के लिए डिफेंड किया जाता है उसको टाइप ए टेरिटरी कहा जाता है। इसमें नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की टेरिटरी बनाई जाती है। टाइप बी के अंदर ऐसा एरिया आता है जो कि डिफेंडेड होता है फॉर नेस्टिंग, नेस्ट बनाने के लिए और मेटिंग के लिए। जो बहुत सारी फिशेज़ और बर्ड्स होते हैं वो इस तरह की टेरिटरी बनाते हैं, बाकी वो टेरिटरी बनाते नहीं है। सिर्फ इन दो रीजंस के लिए वो टेरिटरी बनाएंगे जो कि टाइप बी टेरिटरी कहलाएगी। टाइप सी ऐसी टेरिटरी होती है या फिर ऐसा एरिया होता है जो कि मेटिंग के लिए डिफेंड किया जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए डिफेंड किया जाता है। इसमें कॉलोनियल सी बर्ड्स, सेज ग्राउजेस, लाफिंग गल्स, किटी वेक और जेबरा और वाइल्ड डोंकी जो है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये टाइप सी टेरिटरी बनाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप डी टेरिटरी, एक ऐसा एरिया जो कि डिफेंड किया जाता है फॉर रेस्टिंग और रूस्टिंग। रेस्टिंग के लिए और रूस्टिंग के लिए अगर कोई टेरिटरी बनाई जा रही है तो उसको टाइप डी के अंदर लिया जाता है। इसमें बर्ड्स और बैट्स आ जाते हैं। तो ये चार तरह की हमने कैटेगरीज देखी टेरिटरीज के लिए। अब हमारे पास टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ टेरिटरी। एडवांटेजेस हो सकते हैं जो टेरिटोरियलिटी होती है इसकी वजह से इंक्रीज्ड सर्वाइवरशिप होती है, जो किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइविंग की कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाती है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उस ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाता है रिलेटिव टू द टाइम एनर्जी एंड रिस्क कॉस्ट इन्वॉल्व। तो रिस्क कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो सकते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है जो कि टेरिटरी के लिए फ़ाइट करती है, इन्वॉल्व्स फियर्स कॉम्बैट, जिसकी वजह से एक फियर्स कॉम्बैट देखने को मिलता है। इन अदर्स देयर इज़ अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन बाय सिग्नल सच एज सॉन्ग, वॉइस, सेंट, फ्लैश और लाइट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टेरिटरी मार्क करने के लिए, अपने जो टेरिटरी को मार्क करें तो उसके लिए सॉन्ग गा सकते हैं और वो पूरी तरह से यहाँ पर चक्कर लगाकर पूरी तरह से यहाँ पर एरिया अपना मार्क करेंगे सॉन्ग गाकर, या फिर वॉइस निकालकर, या फिर सेंट के थ्रू जिसमें फेरोमोन्स हमने टॉपिक देखा था, फ्लैश के थ्रू, फ्लैश ऑफ लाइट जिसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, तो उसके थ्रू कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। सॉन्ग जनरली बर्ड के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेरिटरी प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टेड प्लेस वेयर कोर्टशिप, मेटिंग, पेरेंटल केयर ऑफ यंग एटसेट्रा कैन अकर फ्रीली। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी टेरिटरी बनाई है तो वहाँ पर कोर्टशिप, मेटिंग, पेरेंटल केयर जो होता है यंग वंस का पूरा ध्यान रखना वो सभी आसानी से कर सकता है। तो टेरिटरी बनाना उनके लिए एक तरह से यूजफुल ही माना जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, येट इवन व्हेन द चांसेस ऑफ फिजिकल इंजुरी आर मिनिमल, टेरिटोरियल एनिमल्स टिपिकली स्पेंड एनर्जी इन पेट्रोलिंग एंड एडवर्टाइजिंग देयर टेरिटरीज। अगर ये देखा जाए कि किसी एरिया के अंदर अगर फिजिकल इंजुरी के चांसेस कम है तो टेरिटोरियल एनिमल्स जो होंगे वो अपना कम समय इसमें या फिर कम एनर्जी अपना जो होगा वो पेट्रोलिंग के अंदर यानी कि चक्कर लगाने में बर्बाद नहीं करते हुए उसको यूज़ करेंगे किसी और काम के अंदर। तो ये वाली चीज़ हो जाती है, फिजिकल इंजुरी के अगर चांसेस मिनिमल है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरा कि जो कहना चाहिए बेनिफिट्स होते हैं टेरिटोरियलिटी के, वो ये भी हो सकते हैं कि उससे जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो फेवर हो रहा है। इसके बारे में डेविज और हाउस्टन ने 1981 में बताया था। तो ये एडवांटेजेस थे टेरिटरी के। नेक्स्ट हमारे पास है टेरिटोरियलिटी एंड ब्रीडिंग। एक रिप्रोडक्टिव टेरिटरी की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा पैच ऑफ लैंड होता है या फिर कोई एक्वेटिक एरिया हो सकता है जो कि इसलिए बनाया जाता है और इसलिए डिफेंड किया जाता है एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू, जिससे कि वो वहाँ पर ब्रीड कर सके, यानी कि वहाँ इंटेंशन जो होगा वो ब्रीडिंग का देखा जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर है कि टेरिटोरियल बिहेवियर जो होता है वो एक तरह का क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्रीडिंग ऑफ मैनी स्पीशीज़ के लिए, यानी बहुत सारी स्पीशीज़ अगर ब्रीडिंग शो कर सकती है तो वो भी टेरिटोरियल बिहेवियर भी शो करेंगी। कॉमनली अगर बिगनिंग के अंदर देखें ब्रीडिंग सीजन में तो जो मेल्स होते हैं वो जो टेरिटरी होती है उसको एस्टेब्लिश करते हैं और उस एरिया को डिफेंड करने का काम करते हैं दूसरे मेल से ऑफ द सेम स्पीशीज। और ये जो बिहेवियर होता है वो वाइड स्प्रेड है, मतलब अच्छा खासा फैला हुआ है अमंग दी वर्टिब्रेट। ज़्यादातर इस तरह का बिहेवियर जिनमें पाया जाता है वो होते हैं वर्टिब्रेट्स। फिशेज और लिजार्ड्स की बात की जाए तो ये भी कई हद तक टेरिटोरियल होती है और इन अगर देखा जाए तो जो मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स होती हैं एंड मैनी मैमल्स स्पेशली कार्निवोर्स, इनके अंदर भी ये टेरिटोरियल बिहेवियर देखने को मिल जाता है। अगर ओनर्स की बात की जाए, ऑफन मार्क देयर टेरिटरीज बाय रबिंग सेंट्स, या तो ऑर्गेनिज्म अपने सेंट को अपने बॉडी से निकले हुए सेंट को रब करेंगे पार्ट्स के ऊपर जो कहना चाहिए एरिया है वहाँ पर और अपनी टेरिटरी को मार्क करेंगे। कभी स्प्रेइंग यूरिन का काम करते हैं, अपनी यूरिन को स्प्रे करने का काम करेंगे। लिविंग पाइल्स ऑफ ड्रॉपिंग अराउंड दी बॉर्डर्स, कभी कभी अपनी ड्रॉपिंग्स को बॉर्डर्स के आसपास मार्क करने की या फिर लीव करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो मैमल्स होते हैं वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए दूसरे से कॉल्स का
का यूज़ करते हैं, सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं, विजुअल डिस्प्लेस का यूज़ करते हैं, जो कि मेजर मीन्स होते हैं टेरिटरी को डिफेंड करने में, खास तौर पर वर्ड्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी रिप्रोडक्टिव टेरिटरी से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ टेरिटोरियलिटी। जो कॉस्ट होती है टेरिटोरियलिटी की, इंक्लूडिंग द टाइम एंड एनर्जी स्पेंट इन स्टॉकिंग आउट ऑन आउट एंड डिफेंडिंग अ टेरिटरी एंड अ रिस्क इन्वॉल्व इन फाइटिंग फॉर इट। अगर किसी भी टेरिटरी को देखें तो उसमें जो चीज़ की कॉस्ट लगेगी, हमने शुरू में भी इस चैप्टर में देखा था कि दो तरह की चीज़ हो सकती है, कॉस्ट और बेनिफिट। हर एनिमल ये देखता है कि इसमें खुद को कितनी मेहनत करना पड़ेगी और उसको फ़ायदे कितने मिलेंगे। जब उसको खुद को कुछ मेहनत करना पड़ेगी, हम उसको कॉस्ट में काउंट करेंगे, एंड उसको जितने बेनिफिट्स मिलेंगे उसको हम बेनिफिट में काउंट करेंगे। तो जो कॉस्ट हो सकती है, यानी कि उसकी मेहनत क्या क्या होगी टेरिटोरियलिटी को मेंटेन करने में, वो हम देख रहे हैं। तो उसमें उसका टाइम लगता है, उसको पूरी मार्किंग करनी होती है, रोज चेक करना होता है, एनर्जी लगानी होती है, स्टेकिंग आउट करना होता है पूरी तरह से, डिफेंड करना रहता है अपनी टेरिटरी को। ऐसा भी नहीं कि एक बार टेरिटरी मार्क करी और वो आराम से रह सकता है। दूसरे जो स्ट्रेंजर एनिमल्स है वो भी उसकी टेरिटरी में एंटर कर सकते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करना होता है। रिस्क जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, क्योंकि जब फाइटिंग करेगी कोई दो ऑर्गेनिज्म, पूरी तरह से दोनों पर खतरा रहेगा कि किसी की भी डेथ हो सकती है। और साथ में इसमें कुछ बेनिफिट्स भी है जो कि इंडिविजुअली एक इंसान को एक ऑर्गेनिज्म को मिल सकते हैं, जैसे कि उसको फूड मिलेगा पूरी टेरिटरी में जितना है, ग्रेटर रिप्रोडक्टिव सक्सेस मिलेगी, जितने भी मेट्स हैं उनके साथ वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर मेल देखें किसी भी लायन प्राइड का, तो वो फादर होता है ऑफ ऑल दी कब्स, जितने भी कब्स होते हैं छोटे लायन के बच्चे, उन सबका जो फादर होता है वही ज़्यादातर लीडर रहता है पूरी प्राइड का। तो जो एबिलिटी रहती है उनके अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि वो डिफेंड कर सकते हैं टेरिटरी को, इसीलिए वो कहीं ना कहीं लीडर बनते हैं। फ्रॉम इन्वेजन बाय स्ट्रेंज मेल्स इंश्योर्स देयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस। और सारी ये सारे पॉइंट्स हमने अभी ऊपर देखे वही रिपीट करा है। अमंग मैनी स्पीशीज, अगर दूसरी स्पीशीज़ के अंदर भी देखा जाए, तो जो एनिमल्स होते हैं दैट फेल टू एस्टेब्लिश टेरिटरीज फेल टू रिप्रोड्यूस, जो एनिमल्स या फिर हम कह सकते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी टेरिटरी को मार्क नहीं कर पाते हैं, वो आगे जाके रिप्रोडक्शन के अंदर या फिर रिप्रोड्यूस करने में भी फेल हो जाते हैं। और जो टेरिटोरियलिटी होती है ऑल्सो टेंड टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज एंड एंश्योर्स इफिशेंट यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बाय एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू स्प्रेड थ्रू आउट अ हैबिटेट। नेक्स्ट हमारे पास अब जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि वेपन्स यूज्ड टू डिफेंड टेरिटरी। साइज़ जो होता है किसी भी टेरिटरी का, वो अलग अलग स्पीशीज़ में वेराई कर सकता है, और ये डिपेंड करता है जो क्वांटिटी ऑफ डाइट होती है, बॉडी साइज़ होता है, ग्रुप साइज़ होता है, हैबिटेट स्पीशीज़ का क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक दो तरह के फिगर्स शोन है। फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें फीमेल पॉपुलर एफिड्स को दिखाया गया है, मे स्पेंड आर किकिंग वन अनादर टू डिटरमाइन हु गेट्स टू ऑक्यूपाई अ प्रिफर्ड लीफ और द सुपीरियर लोकेशन ऑन द लीफ। इन दोनों को अगर हम देखेंगे, ये दोनों एफिड्स हैं, एक तरह के इंसेक्ट हैं जो एक दूसरे को किक कर रहे हैं, लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये लीफ के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लीफ बनी हुई है, ये दोनों एफिड जो है एक लीफ के ऊपर प्रेजेंट है, और दोनों की कोशिश ये है कि वो दूसरे को इस लीफ पर से गिरा दे, और वो जो लीफ बचती है फिर वो उसकी रहेगी जिस पर वो हमेशा रह सकते हैं। दूसरा जो फिगर है उसमें एक मेल गैरेनक को दिखाया गया है, ऑक्यूपाई स्मॉल टेरिटरी, इसने एक छोटी सी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करा है, अ टर्माइट माउंड ओनली, और इसमें एक टर्माइट जो माउंड होता उस पर ये खड़ा है, स्मॉलर देन हिज बॉडी साइज, जो कि उसकी बॉडी साइज से छोटा है। तो ये एक टर्माइट माउंड है जिसको इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये साइज ऑफ टेरिटरी, यानी कि यहाँ अगर लीफ को देखें तो वो कितनी छोटी है, और वहीं टर्माइट माउंड देखें तो इस डियर से छोटा है, जिसको हम गैरेनक कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है साइज ऑफ टेरिटरी के अंदर। जो पॉपुलर एफिड होते हैं वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं फ्यू स्क्वायर मिलीमीटर एरिया तक ओनली, और जो मतलब इसके आगे का बड़ा एरिया होगा तो उसके आगे वो टेरिटरी को ना ही मार्क करते हैं ना ही डिफेंड करने का काम करते हैं। और जो वेग टेल होता है वो अपने एरिया को 600 मीटर्स ऑफ रिवर बैंक तक कहना चाहिए डिफेंड करता है, ध्यान रखता है। और ईगल को देखा जाए तो वो डोमिनेट करती है एन एरिया ऑफ 70 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का एरिया ईगल डोमिनेट करती है। अफ्रीकन एंटीलोप मेल गैरेनक जो होता है अगर उसको, तो अफ्रीकन एंटीलोप जो होते हैं मेल गैरेनक जो रहते हैं खासतौर पर, ये स्मॉल टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं जिसमें टर्माइट माउंड आते हैं, और ये अपनी बॉडी साइज से छोटे पोर्शन जो होते हैं उनको ऑक्यूपाई करके टेरिटरी बनाते हैं। गिबन्स जो होते हैं वो थिक कैनोपी ऑफ रेन फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं, ये मोनोगैमस ग्रुप में रहते हैं, और इनकी भी बहुत छोटी टेरिटरी पाई जाती है, और साथ में ये सेंट मार्किंग करते हैं फेरोमोन्स के थ्रू इट्स ओन टेरिटरी एंड सिंग सॉन्ग्स टू एडवर्टाइज अबाउट इट्स ऑक्यूपेंसी, और गाने गाकर सिंग
सिंग कर कर सॉन्ग्स को अपनी जो कहना चाहिए ऑक्यूपेंसी उसको शो करते हैं या फिर उनको एडवर्टाइज करते हैं। प्लांट ईटर्स को अगर देखा जाए और कार्निवोरस एनिमल्स को देखा जाए, यानी हर्बीवोर्स को अगर हम देखें और कार्निवोर्स को देखें, तो हर्बीवोर्स स्मॉल टेरिटरीज बनाते हैं इस इन कंपेरिजन टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की टेरिटरी ज़्यादा बड़ी होती है हर्बीवोर्स से, हमेशा इस तरह का पॉइंट देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिटोरियल। सो विल्सन 1975 ने कहा था कि जो टेरिटरीज होती है आर नॉट ऑलवेज फिक्स्ड, हमेशा टेरिटरीज जो होती है किसी एनिमल की वो फिक्स्ड नहीं रहती है, डायनामिक रहती है यानी बदलती रहती है, ऑफन चेंजिंग इन साइज, जो कि साइज में, शेप में, सीजन के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, एनिमल की एज के हिसाब से बदलती रहती है। हक्सले को देखा जाए तो हक्सले ने ये कहा था, हक्सले ने टेरिटरी को कंपेयर करने की कोशिश की थी विथ इलास्टिक डिस्क हैविंग द रेसिडेंट एनिमल एट इट सेंटर। मान लीजिए कोई इलास्टिक डिस्क है जिसके बीच में एक एनिमल का रेसिडेंट है, रेसिडेंट एनिमल है। इन कंडीशंस ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और जब इस कभी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाए किसी एरिया में, तो जो प्रेशर रहेगा अलॉन्ग दी डिस्क बाउंड्रीज हाई, क्योंकि हर तरह का एनिमल यहाँ पर आने के एंटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एनिमल बीच में जो है वो है और इसने इतनी टेरिटरी बनाई है, इसका मतलब ये यहाँ पर अकेला है। लेकिन अगर इसी पूरी एरिया के अंदर अलग से एरिया देखे, तो यहाँ पर अगर दूसरे एनिमल्स भी बढ़ जाएंगे, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो ये सारे यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से ये जो बाउंड्री हमने शुरू में यहाँ मार्क की थी वो सुकड़कर छोटी होने लगेगी, क्योंकि उन लोगों ने भी अपनी टेरिटरी यहाँ यहाँ तक मार्क करी है, तो ये बीच में रहने वाला अकेला एनिमल इतना डिफेंड नहीं कर पाएगा। However, यहाँ पर देखा जाए there is a limit beyond which further contraction is not tolerated by the resident। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये जो बीच में रहने वाला एनिमल है, अब इतनी पास अगर वो लोग एनिमल्स दूसरे अपनी टेरिटरी बड़ी करते करते इसकी टेरिटरी को इतना पीछे तक सुकूड़ देंगे, पतला कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो एक लिमिट ऐसी आएगी जो अंदर रहने वाला एनिमल है वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसको लगेगा बस अब हद पार हो चुकी है, इससे ज़्यादा टेरिटरी यहाँ पर मार्क नहीं करने दे सकते। इधर द रेसिडेंट एग्रेसिवली रेजिस्ट, या तो अब ये होगा कि ये जो अंदर रहने वाला रेसिडेंट है वो इसके ऊपर रेजिस्ट करेगा, लड़ाई शो करेगा, फर्दर रिडक्शन अपना रोकेगा इन द साइज ऑफ इट्स टेरिटरी और द टेरिटोरियल सिस्टम इन पॉपुलेशन ब्रेक्स डाउन, या फिर जो टेरिटोरियल सिस्टम इसका बना हुआ है वो बाहर की जो पॉपुलेशन होगी इसकी तोड़ देगी और इसकी टेरिटरी वो लोग ले लेंगे। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिटोरियलिटी, जिसमें हमने देखा कि जो टेरिटरी होती है वो कैसी होती है, वो डायनामिक होती है यानी चेंज हो सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टेरिटोरियलिटी इन डिफरेंट एनिमल्स। तो टेरिटोरियलिटी हम फिशेज में देख रहे हैं, फिशेज में ज़्यादातर एनिमल बिहेवियर में जो एनिमल्स हम देखते हैं उसमें से फिश के अंदर जो थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिश होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, खासतौर पे उसके अंदर की मेल कम्युनिटी पर। तो मेल थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक है जो कि अपने एक एरिया को सिलेक्ट करती है, उसको डिफेंड करती है विग्रसली और अपना एक नेस्ट बनाती है टेरिटरी के अंदर, जिसमें वो अट्रैक्ट करता है फीमेल को फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए उसने फीमेल को अट्रैक्ट करा। उसके ऊपर यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आपको नोट करना होगा कि एक रेड कलर आने लगता है स्पॉट ऑन द बेली ऑफ मेल स्टिकल बैक, एक्स एट्स प्री नुप्टियल सिग्नल फॉर द फीमेल एंड वार्निंग सिग्नल टू मेल ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। जब यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन आता है इन फिशेज के लिए, जिसको हम स्पाइन वाली फिशेज कह रहे हैं, थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश, तो फॉर एग्जाम्पल ये फिश है, तो यहाँ देखने को मिलता है इसकी जो बेली होता है, इसका जो पेट का पोर्शन होता है वो थोड़ा रेड कलर का होने लगता है। अब जब वो रेड कलर का होता है तो वो एक तरह से ये सिग्नल होता है जो कि प्री नुप्टियल सिग्नल है, एक तो फीमेल के लिए भी कि वो ब्रीडिंग के लिए रेडी है, दूसरा एक वार्निंग सिग्नल भी है ये दूसरे मेल्स के लिए कि वो इस टेरिटरी में एंटर ना। टेरिटोरियलिटी के अंदर आप यहाँ पर थ्री फिगर्स देख रहे हैं। सबसे पहले जो फिगर है उसमें हेक्सागोनल टेरिटरी बाउंड्री दिखाई गई है, मेल फिश यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर है और उसके आसपास जो उसकी बाउंड्री उसने बनाई है, टेरिटरी जो उसने बनाई है वो कैसी बनाई, हेक्सागोनल शेप में, यानी सिक्स साइड्स वाले कहना चाहिए, स्क्वायर तो नहीं बोलना चाहिए, सिक्स साइड्स वाले एक स्ट्रक्चर के अंदर बनाई है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और सेकंड फिगर दिखाया गया, पहले हम लोग लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाला डायग्राम था वो हेक्सागोनल टेरिटरी बाउंड्रीज थी जो कि मेल माउथ जो ब्रूडर्स होते हैं जिसको तिलापिया बोलते हैं वह है, तो जो तिलापिया फिश होती है ये उसकी टेरिटरी दिखाई गई है। और जो सेकंड वाला है वो है टेरिटरी जो बनाई गई है मेल इगुआना ऑफ फिजी के थ्रू प्रोटेक्ट देयर ब्रीडिंग टेरिटरी विग्रसली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा वो एग्रेशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके सामने आता है, उसकी टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश करता है, तो वो उसके सामने उसको डिफेंड करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर विग्रसली अपनी टेरिटरी को बना रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर थे। तो अब हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। रेप्टाइल के बारे में बात थी, वैसे ये रेप्टाइल का भी हम जब देखेंगे तो ये डायग्राम ज़्यादा रिलेवेंट होगा। सो अब हम लोग पहले टेरिटोरियलिटी इन एम्फीबियंस देख लेते हैं।
तो सबसे पहले टेरिटोरियलिटी इन एम्फीबियंस की बात की जाए, तो जो फीमेल एम्फीबियन होते हैं जिसको हम बुल फ्रॉग्स कहते हैं, बुल फ्रॉग्स एक तरह के एम्फीबियन होते हैं, यानी पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस होते हैं। एम्फी का मतलब ही टू होता है, तो ये दोनों दो जगहों पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, और ये अपनी टेरिटरीज को कैसे चूज करते हैं, जो थोड़ी सी कहना चाहिए ये लोग खुद उसको प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी बात, विच आर डिफेंडेड बाय ओल्डर एंड लार्जर मेल्स। अब ये जो फीमेल एम्फीबियन बुल फ्रॉग्स होती हैं, ये टेरिटरी जरूर बना आती है, लेकिन उस टेरिटरी को डिफेंड करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? मेल्स करते हैं। और जो मॉर्टेलिटी होती है अमंग डेवलपिंग एम्ब्रियोज इज लोअर इन द सेम टेरिटरीज। अगर इन्हीं टेरिटरीज में डेवलपिंग एम्ब्रियोज रहेंगे तो उनकी जो मॉर्टेलिटी होगी, मरने का जो रेट होगा, वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने वाले वहां पर मेल्स हैं, तो वो टेरिटरीज के अंदर सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन एंड आर इंजेस्टेड बाय फ्यूअर प्रेडेटरी लीचेस। तो बस ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर भी बेसिकली वो लोग वहाँ पर बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं इस टेरिटरी के अंदर, और इनको खाने के लिए इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ प्रिडेटरी लीचेस भी दे देते हैं कभी, या फिर लीचेस भी इनके लिए हार्मफुल भी हो सकती है कभी कभी, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर, अब हम टेरिटोरियलिटी इन रेप्टाइल्स देख लेते हैं। जो मेल येरो स्पाइनी लिजार्ड्स होती हैं, साउथ एरिजोना में रहती है और हाईली टेरिटोरियल होती है। तो बेसिकली जो लिजार्ड्स होती है, रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको रेप्टाइल्स कहते हैं, क्रॉलिंग शो करते हैं। इनमें से जो लिजार्ड्स होती है वो हाईली टेरिटोरियल होती है, ज्यादातर टेरिटोरियल होती है। दूसरा पॉइंट यहां पर कहता है, कुछ ऐसी फीमेल ट्री लिजार्ड्स होती है सोनोरन डेजर्ट की। अब मैं आपको यहां पर समझाती हूं। तो ये जो फीमेल लिजार्ड्स होती है सोनोरन डेजर्ट में, अगर मान लीजिए कोई ट्री है, तो ये लिजार्ड्स क्या करती है, ये कोई हर्ड या फिर कोई बैंड बना के नहीं रहती। हर्ड या बैंड मतलब, जैसे कि अगर हम लायन की बात करें, तो लायन का जो ग्रुप था हम उसको क्या कहते थे, प्राइड कहते थे, और उसको ग्रुप, एक तरह से ग्रुप ऑफ लायन इज नोन एज प्राइड, हम ऐसा कह सकते हैं। तो उसी तरह से एक ट्री रहता है जिसपे 3 से 4 फीमेल लिजार्ड मिलकर रहती हैं। बेसिकली ये यहाँ पर कोई हर्ड नहीं बनाती, कोई बैंड नहीं बनाती, सिर्फ 3 से 4 मिलकर एक ट्री को पसंद कर लेती है। ट्री का नाम याद रखना है आपको, मेस्कॉय ट्री कहते हैं, उस पर यह सभी रहना पसंद करती है। अब होता क्या है, ये जो 3 से 4 लिजार्ड्स हैं ये फीमेल है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका ये जो मेस्कॉय ट्री का जो टेरिटरी है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेल इनके साथ रहता है। वो मेल क्या करता है, वो पूरी तरह से इस ट्री को प्रोटेक्ट करता है और इन फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये वाला जो मेल है, अगर वो सक्सीड हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है उसको इन सभी को प्रोटेक्ट करने में, तो 3 से 4 जितनी भी वहाँ लिजार्ड्स हैं उन सभी के साथ वो मीटिंग परफॉर्म कर सकता है और उन सभी में उसके ऊपर एक्सेस रहती है। अगर इस कहना चाहिए लिजार्ड, जो मेल लिजार्ड है उसको अगर दूसरे लिजार्ड ने आके डिफीट कर दिया और वो जो ट्री है अब उसको प्रोटेक्ट करने का काम दूसरा मेल लिजार्ड करेगा, तो ये 3 से 4 जो कहना चाहिए फीमेल्स होंगी वो उसके एक्सेस में जाएंगी। तो ये सारे कुछ ऐसे एनिमल बिहेवियर के अंदर देखे जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जो टर्टल रहता है, टॉर्टोइज रहता है, इनकी बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनिशिएट ही ऐसे हो सकता है जब तक किसी एक मेल के पास अपनी टेरिटरी नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल एक टेरिटरी है और यहाँ पर दो हमारे पास, हमने यहाँ पर बनाए हैं टर्टल्स, तो ये दोनों टर्टल्स क्या करेंगे, इस टेरिटरी के लिए एक आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं और इस फाइट के दौरान वो एक दूसरे को सीरियसली भी इंजोर कर देते हैं। तो ये आपस में लड़ाई करते हैं फॉर दिस टेरिटरी, और जिसको ये टेरिटरी मिल जाती है दे कैन गेट सक्सेस इन रिप्रोडक्शन, वो सक्सेस मिल जाती है उनको मेटिंग करने में, रिप्रोडक्शन करने में विद दी फीमेल्स। तो ये वाली बात हो जाती है। और ज्यादातर जो टर्टल्स एक दूसरे को फाइट के दौरान बहुत ज्यादा सीरियसली इंजोर कर देते हैं, उसमें से हार्डमैन टॉर्टोइस उसका एग्जांपल है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो मेल्स होते हैं बैंडेड इग्वाना लिजार्ड्स, अगर इनकी बात करें, इग्वाना लिजार्ड्स के अंदर जो मेल्स कम्युनिटी होती है, फिजी पे रहते हैं ये क्या करते हैं, अपनी ब्रीडिंग टेरिटरी को विग्रसली प्रोटेक्ट करते हैं। अभी ऊपर जो हमने डायग्राम देखा था उसी को पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो उनमें एक स्पेक्टिकुलर कोर्टशिप डिस्प्ले होता है, वाइट बैंड्स बिकम ग्रीन। उनके अंदर जो वाइट बैंड्स होते हैं, सफ़ेद रंग के जो बैंड्स होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। दूसरी बात, वाइल अटैकिंग राइवल मेल, जब ये अपने सामने वाले दुश्मन वाले मेल के ऊपर अटैक करते हैं, अपने दुश्मन को जब अटैक करते हैं, उस पर हमला करते हैं, उस टाइम पर ये वाइट बैंड्स कैसे हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। और दोनों ही राइवल मेल्स की बात की जाए तो ब्लो देयर नेक एंड बॉब हेड कम्युनिकेटिंग टू सरेंडर। वो अपनी नेक को ब्लो करते हैं, बॉब हेड करते हैं, और उससे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं जिससे कि सामने वाला जो होगा वो सरेंडर कर दे। फीमेल इग्वाना जो रहती है यहाँ पर, अब जो फीमेल इग्वाना होगी वो क्या करेगी, विटनेस दिस फाइट पेशेंटली। वो आराम से बैठकर इन दोनों की फाइट को देखती कि आखिर जीतता कौन है। डिफीटेड मेल वॉक्स अवे
अब जो फाइट में जो भी मेल हार जाता है वो क्या करता है, शांति से उस जगह से चले जाता है, और जो विनर मेल रहता है इग्वाना इज सिलेक्टेड बाय फीमेल फॉर मेटिंग. उसके बाद जो जीत जाता है वो जो केनाची मेल जीत जाता है वो फीमेल उसको सिलेक्ट कर लेती है फॉर मेटिंग. तो एक तरह से आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होता है एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना. हर पॉइंट में हमें एक न्यू एनिमल बिहेवियर देखने को मिल रहा है. अगर आपने मेरे शुरू से जितने भी वीडियो सेगमेंट्स अगर उनको शुरू से देखते हुए आ रहे होंगे, जो प्लेलिस्ट है हमारी ऑब्वियसली, तो उसके अंदर शुरू से देखते आएंगे, तो आपको शुरू से बहुत सारे कहना चाहिए बिहेवियर देखने को मिलेंगे एनिमल्स की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये थी टेरिटोरियलिटी इन रेप्टाइल्स. अब हम देख लेते हैं टेरिटोरियलिटी इन बर्ड्स. तो होता क्या है जो बर्ड्स होती है, तो इसके बारे में जो नाइस थे 1941 और मे जो थे 1953, बड़ा इजी सा नाम है नाइस एंड मे, तो इन दोनों ने क्या करा, चार तरह की मेन टेरिटरी जो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड में पाई जाती है उसके बारे में बताया. पहली होती है मेटिंग नेस्टिंग एंड फीडिंग टेरिटरी, यानी कि जितने भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हो गए, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के एक्ट्स होंगे जैसे कि कोर्टशिप करना, मेटिंग करना, नेस्ट की बिल्डिंग करना, ये सारी ही चीज़ें इसी टेरिटरी में होगी. तो कोर्टशिप, मेटिंग और नेस्ट बिल्डिंग जिस टेरिटरी में होगी वो यही टेरिटरी है. इसमें सॉन्ग स्पैरो, वुडपैकर्स, वॉर्बलर्स, स्ट्राइक्स, ये सब आ जाते हैं. ये लोग मेटिंग, नेस्टिंग और फीडिंग टेरिटरी के अंदर बनाने का काम करते हैं. दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरी तरह की टेरिटरी है मेटिंग एंड नेस्टिंग टेरिटरी, यानी कि एक ऐसी टेरिटरी जहाँ पर सिर्फ मेटिंग होती हो और नेस्ट बिल्डिंग होती हो, और बाकी के जो काम है जैसे कि कोर्टशिप हुआ या फिर कुछ और फीडिंग की प्रोसेस हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है. सो सिर्फ यहाँ पर मेटिंग एंड नेस्ट बिल्डिंग शो की जाती है. कॉमन एग्जांपल्स इसके हैं ग्रैब्स, फिंचेस, स्वान, विलेट एटसेट्रा. तो ये आपको लर्न करना है. है हमारे पास मेटिंग टेरिटरी जो कि बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, बॉवर बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, मैनाकिन्स, ये सब सभी जो होती हैं वो बनाती हैं. ये अपनी टेरिटरी को एस्टेब्लिश करती है जिसमें वो कोर्टशिप परफॉर्म करती है और मेटिंग करती है ओनली. इसमें आगे के जो पेरेंटल केयर या फिर फीडिंग हो सकती है वो सारी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ मेटिंग होगी और क्या होगा, कोर्टशिप होगा यहाँ पर. दूसरा होती है नेस्टिंग टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी, इसको स्मॉल टेरिटरी भी कहा जाता है क्योंकि ये नेस्टिंग पर्पस के लिए होती है सिर्फ. और इसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि कुछ कॉलोनियल बर्ड्स लाइक पेंगुइन, वुडपैकर, गल्स, हेरॉन्स, पेलिकन एटसेट्रा. तो ये सभी चार तरह की टेरिटरीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने यहाँ पर मेंशन. फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ फिगर जिसके अंदर हम लोग पेंगुइन्स की नेस्टिंग टेरिटरी देख रहे हैं. आप सभी देख सकते हैं पेंगुइन्स खड़ी हैं और एक डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन करा है. इस डिस्टेंस को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, इंडिविजुअल डिस्टेंस कहते हैं. तो ये जो पेंगुइन्स है ये सब एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही है. एक एरियल फोटोग्राफ है और इसमें टेरिटरीज दिखाई गई है हर पेंगुइन ने जो अपनी ऑक्यूपाई करी है. स्मॉल टेरिटरीज यहां पर बनाते हैं वो सिर्फ नेस्ट पर्पस के लिए, जैसे कि इन केस ऑफ वुडपैकर, गर्ल्स, हेरॉन्स, पेलिकन, पेंगुइन्स एटसेट्रा. जो डिस्टेंस ये अपने नेस्ट के बीच में रख रही है, दो बर्ड के नेस्ट के बीच में जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो एरो बन रहा है वो इतना बड़ा है, यहाँ पर जो बन रहा है वो भी लगभग इतना ही बड़ा है, यहाँ पर भी इतना ही बड़ा है. तो इसका मतलब ये है कि एक इक्वल डिस्टेंस ये लोग फॉलो करते हैं वाइल मेंटेनिंग कहना चाहिए इंडिविजुअल डिस्टेंस टू. अब क्या होता है, कुछ ऐसे विजुअल डिस्प्लेज होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं जो कि ऑडिटरी क्ल्यूज होते हैं जो कि असर्टिंग टेरिटोरियल क्लेम्स बना शो करने के लिए बर्ड्स के अंदर काम आते हैं. यानी कि बर्ड्स अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए सिंगिंग शो करती हैं, जो हमने अल्टीमेट कॉजिशन और अप्रॉक्सिमेट कॉजिशन की एग्जाम्पल है उसमें देखा था. समटाइम्स अगर हम बात करें तो एक ब्रीफ रिचुअल फाइट रहती है बीक एंड क्लॉ की, जो कि यूज़ की जाती है जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर को सीरियसली इंजोर भी कर सकती है बर्ड्स अपनी टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए. दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ कलर पैचेस पाए जाते हैं, रंग बिरंगे कहना चाहिए पैचेस होते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से वो टेरिटरी को एस्टेब्लिश कर पाती है. रॉबिन्स रेड ब्रेस्ट, एक जो बर्ड होती है जिसका नाम है रॉबिन्स रेड ब्रेस्ट, वो अट्रैक्टिव होती है और उसके अंदर एक साइन स्टिमुलस होता है फॉर द फीमेल बट अ वार्निंग सिग्नल फॉर द मेल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. अब क्या हो रहा है कि ये जो रॉबिन्स रेड ब्रेस्ट है अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरह का मेल होता है, तो ये रेड कलर का है लेकिन ये एक साइन स्टिमुलस है फीमेल्स के लिए कि फीमेल उससे अट्रैक्ट हो, लेकिन जो दूसरे मेल से उसके लिए वो एक तरह का वार्निंग सिग्नल होता है. अगर कॉक रॉबिन की बात की जाए, दे पियर्स आउट इज रेड चेस्ट, द ब्लैक कैप इरेक्ट्स इज ब्लैक क्रेस्ट टू एस्टेब्लिश टेरिटरी. अब वो क्या रहा है, जो कॉक रॉबिन है अगर उसको देखा जाए तो अपने रेड चेस्ट को पियर्स कर लेता है अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए.
जो ब्लैक कैप होती है वो क्या करती है, वो इरेक्ट हो जाता है, ब्लैक क्रेस्ट को अपने इरेक्ट कर लेता है, जिससे कि वो अपनी टेरिटरी को कहना चाहिए एस्टेब्लिश करता है. मेल फिंच जो होती है चूजेस टू डेमोन्स्ट्रेट हिज प्रोप्रिएटरशिप बाय शोइंग हिज स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म ऑन इन ऑल इट्स डिटेल्स. तो मेल फिंच जो होगा वो चूज करता है जो प्रॉपर उसकी होना चाहिए जगह को बाय शोइंग हिज एक्सीलेंट यूनिफॉर्म, जो उसका कह सकते हैं जितनी डिटेल्स वो शो कर सकता है, इस तरह से अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं. दूसरा जो नॉर्थ अमेरिकन मेल सेज ग्राउस फ्लफ होता है, अप देयर प्लमेज एंड दस इंक्रीज देयर अपेरेंट साइज व्हेन डिफेंडिंग द ब्रीडिंग टेरिटरी. अब जो नॉर्थ अमेरिकन मेल सेज ग्राउस एक तरह का बर्ड होता है, ये क्या करता है, ये अपने प्लमेज को अपने पूरे फेदर्स को फ्लफ कर लेता है, थोड़ा फ्लफी दिखाई देता है, फूल जाता है, जिससे कि वो अपने अपेरेंट साइज को जो उसका बेसिक साइज है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, और उससे अपनी वो ब्रीडिंग टेरिटरी को डिफेंड करता है. बर्ड के जो सॉन्ग्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के, जनरली मेल ही बर्ड सॉन्ग शो करते हैं, और इससे वो सिग्नलिंग डिवाइस देते हैं रिलेटेड टू सोशल लाइफ, पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विद टेरिटोरियल एस्टेब्लिशमेंट एंड डिफेंस ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो बर्ड सॉन्ग होते हैं यूजुअली अनाउंस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ टेरिटरी. जितनी भी बर्ड सॉन्ग को अनाउंस करती हैं उससे क्या होता है, एक एग्जिस्टेंस आ जाता है टेरिटरी बनाने का, एंड ऑफन सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वायलेंस, और एक तरह का सब्स्टिट्यूट होता है वायलेंस के लिए. फर्दर मोर दे अनाउंस टू द एलिजिबल फीमेल्स दैट ओनर मेल रेसाइड्स इन द टेरिटरी. तो जब एक बर्ड का सॉन्ग अनाउंस किया जाता है उससे उसकी टेरिटरी मार्क हो जाती है, और उससे वो ये भी शो कर देता है कि यहाँ कुछ एलिजिबल फीमेल्स भी आ सकती हैं और यहाँ ओनर मेल जो है वो उसके साथ रिसाइड कर सकती है. तो ये सारी चीजें यहाँ पर है. दूसरा पॉइंट है टेरिटोरियलिटी इन मेमल्स. तो होता क्या है, जो मेंबर्स होते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स के, जैसे कि क्लास मेमेलिया की बात की जाए तो ये सभी टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं. जो अपनी टेरिटरी को मार्क करने की इनकी प्रोसेस होती है इसमें बहुत अलग अलग तरह के वेज हो सकते हैं. कार्निवोर्स की बात की जाए तो इनकी जो टेरिटरी होती है वो फेरोमोन्स के थ्रू मार्क की जाती है, जो कि लार्ज एनल जो ग्लैंड होता है उसके थ्रू होती है. फेरोमोन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, 3 वीडियोज़ है टोटल उस पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट. सो ज़्यादा बड़े भी नहीं है और उसमें सब कुछ क्लियर हो जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट फेरोमोन के, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री सब कुछ है उसमें, तो आप चेक कर सकते हैं. दूसरी बात, ये एनल ग्लैंड्स में से सीक्रेट होते हैं, और जो अंग्यूलेट्स होते हैं, यहाँ अगर बात की जाए अंग्यूलेट्स की, यानी कि जिनमें थंब प्रेजेंट होता है, उनके अंदर इलोबरेट मींस ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, जो कि सेंट ग्लैंड के थ्रू होता है, यानी कि वही फेरोमोन्स के थ्रू ये कम्युनिकेशन भी शो करते हैं, जो कि टेरिटरी को मार्क करने के लिए बड़े ही काम में आते हैं. कुछ जो इवन टोड अंग्यूलेट्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स जिसमें इवनली टोड पाए जाते हैं अंग्यूलेट्स उनको कह सकते हैं, तो उसमें इलोबरेट सिस्टम होता है सेंट ग्लैंड का ऑन द हेड, यानी कि उनके सिर के ऊपर ये सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है. किन्हीं एनिमल्स के एनल ग्लैंड में होगा और किसी के हेड पर भी हो सकता है. सो बिटवीन द डिजिट्स, उनके जो डिजिट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये उनके पैर है, तो इन डिजिट्स के बीच में यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. अब क्या होता है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपना सेंट तो सिक्रीट कर ही रहे हैं, तो जब जब ये एनिमल कहीं पर मूव करेगा, लोकोमोशन शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, तो वो वहाँ पर सिक्रीट होते हुए उसके पैरों के थ्रू चलते हुए जाएंगे, तो ये उसके पैरों के निशान के साथ यहाँ पर मार्किंग हो जाएगी. जैसे कि राइनोसेरोस की बात की जाए तो जो फेरोमोन्स होते हैं वो, अगर उनकी बात की जाए तो स्पेशल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और वो स्पेशल ग्लैंड्स कैसे होते हैं, वो यूरिन और फीसिस के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो राइनोसेरोस होगा वो यूरिन और जो उसकी ड्रॉपिंग्स होगी, फीसिस होगी, उसके थ्रू वहाँ पर टेरिटरी को मार्क करेगा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है. अब यहाँ एक फिगर आ रहा है. सो टेरिटोरियलिटी इन टाइगर वुल्फ एंड कॉयट हम देख रहे हैं. अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जो टाइगर होता है उसके अंदर ये कहना चाहिए उसकी एबिलिटी होती है कि वो वास्ट हंटिंग टेरिटरी बनाता है, बहुत बड़ी टेरिटरी बनाता है और पूरे में वो हंटिंग परफॉर्म कर सकता है. उसको मार्क करने के लिए एक तो वो ट्रेसेस ऑफ यूरिन का यूज़ करता है, अपने यूरिन को सिक्रीट आउट करेगा वो, और अलग अलग कहना चाहिए लैंडमार्क्स के ऊपर, और उससे उनको मार्क करेगा. दूसरी बात, इसमें कुछ ग्लैंडुलर सिक्रीशंस वो छोड़ता है वहाँ पर. तीसरी चीज़ यहाँ आ जाती है स्क्रैच मार्क्स, यानी कि जो ट्रंक्स होते हैं ट्रीज के, ट्री का जो तना होता है, तना कहते हैं उसको हिंदी के अंदर, उसके ऊपर ये स्क्रैचिंग शो करता है, स्क्रैच मार्क्स शो करता है. कैट्स भी इस तरह का बिहेवियर शो करती है, लायन भी शो करता है. तो ये सभी एक तरह से एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इनकी कहना चाहिए जो फीचर्स होते हैं, इनकी जो हैबिट्स होती है वो मैच करती है. तो ये स्क्रैच मार्क्स करेगा, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस करेगा, और ट्रेसेस ऑफ यूरिन छोड़ेगा, फेरोमोन्स कह सकते हो. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है. और अपने रोबस्ट क्लॉज के थ्रू
ये सारे काम वो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टाइगर स्टेक्स होते हैं आउटर टेरिटरी ऑफ अप टू 10 to 35 किलोमीटर, जो टाइगर है वो 10 से लेकर 35 किलोमीटर तक अपनी टेरिटरी मार्क करता है, विच इट पेट्रोल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, जिसके लिए वो रोज वहाँ पर पेट्रोलिंग शो करता है, चक्कर लगाता है, चेक करता है कि कोई और वहाँ पर तो नहीं आ गया है अंदर, और रेगुलर इंटरवल्स पर वो चेकिंग करता है और मार्किंग भी रोज करता है। ऐसा नहीं कि एक बार करी तो हो गया काम, रोज उसको वहाँ मार्किंग करनी होती है यूरिन के थ्रू, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस के थ्रू, पेड़ों के ऊपर स्क्रैचिंग करने के थ्रू, सभी के थ्रू वो अपनी मार्किंग करता है। तो ये पॉइंट्स होते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, वुल्फ मार्क देयर टेरिटरीज विद ट्रेसेस ऑफ यूरिन ऑफ एंड फीसेस। वुल्फ की बात की जाए तो ये अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए यूरिन क्या और फीसेस का यूज करता है, जिसको वो रोज रिन्यू करता है, डेली उसको वहाँ पर वो पॉइंट्स के ऊपर जाकर ये सारी चीज़ें करनी होती है। कोयोट की बात की जाए तो इट मार्क्स दी बाउंड्री ऑफ इट्स टेरिटरी बाय स्प्रेइंग यूरिन। कोयोट अपने आप, थर्ड में कोयोट शोन है, मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ टाइगर था फर्स्ट में, सेकेंड में यहाँ पर जो कहना चाहिए वुल्फ है। वुल्फ का भी अगर ग्रुप की बात की जाए तो उसको पैक कहा जाता है, पैक ऑफ वुल्फ्स। तो ये थी बात। और थर्ड जो यहाँ पर डायग्राम है वो है कोयट का। तो कोयट अपनी बाउंड्री को मार्क करने के लिए अगेंस्ट यूरिन को स्प्रे करता है। और दूसरी चीज़ ये जो शो करता है, ये हाउलिंग शो करता है। एक जो पर्टिकुलर वुल्फ का साउंड होता है आपने सुना होगा, वो हाउलिंग होती है, कभी कभी डॉग्स भी शो करते हैं हाउलिंग, तो ये होती है। और इससे वो दूसरे कोयट्स को कहना चाहिए इन्फॉर्म कर देते कि इस टेरिटरी में उन्हें एंटर नहीं करना है। तो जो मीनिंग होता है कोयट का, एक तरह से ये होता है कि वो बार्किंग करते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अगर थिक फॉरेस्ट में देखें, अगर इसमें तो जो विजुअल डिस्प्लेज होते हैं कैन नॉट बी सीन इजीली, विजुअल डिस्प्ले को आप इजीली नहीं देख सकते हैं। तो जो फॉरेस्ट एनिमल होते हैं वो कुछ साउंड्स का यूज़ करते हैं अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए, क्योंकि अगर वो कुछ दिखने वाली चीज़ करेंगे तो हर जगह सेम टू सेम पेड़ पौधे हैं, तो उससे वो मार्किंग नहीं कर सकते। इसलिए वो वॉइसेस रहेंगे या कुछ साउंड ऐसे देंगे जिससे कि अपनी टेरिटरी को मार्क कर सके और मेट्स को अट्रैक्ट कर सके। और जो हाउलर मंकीज होते हैं उनकी बात की जाए तो इनमें एक बोन होती है इनके थ्रोट के अंदर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाउलर मंकी का थ्रोट है और यहाँ पर एक बोन लगी होती है उसके थ्रोट के अंदर। सो वो क्या करती है, वो जो थ्रोट में लगी हुई बोन है उसकी वजह से एक हॉलो लाइक अ ड्रम बन जाता है अंदर, जिसकी वजह से एक जो वॉइस उस मंकी में से बाहर आएगी वो अलग ही टाइप की होती है। हो क्या रहा है, उस मंकी के थ्रोट में वो बोन लगी हुई है, इसके वजह से अब होगा ये कि जब भी वो मंकी अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश करेगा तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और बहुत लाउडर आती है। तो जो ट्रूप होते हैं हाउलर मंकीज के, यानी ग्रुप ऑफ हाउलर मंकीज, वो एक दूसरे को कॉल भी इसी तरह से करते हैं और अपने टेरिटोरियल राइट्स दूसरे मंकीज को बता देते हैं कि ये सर्टेन एरिया ऑफ फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास ना आए और ये एरिया के अंदर ना इंक्लूड करें अपने आप को। दूसरी बात, जो मॉर्निंग रहती है, जो हर मॉर्निंग में अगर देखा जाए, हर सुबह देखा जाए, तो जो हाउलर मंकीज होते हैं इनके जो पूरे ट्रूप्स होते हैं वो वूपिंग कॉल्स लगाते हैं, यानी कि एक तरह से आवाज़ें निकालते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, जो कॉल्स रहते हैं वो 1 किलोमीटर तक भी आराम से जाते हैं, और लाउडेस्ट साउंड्स जो रहते हैं एनिमल किंगडम के वो इन हाउलर मंकीज के ही होते हैं। तो सबसे तेज़ आवाज़ हाउलर मंकीज निकालते हैं, 1 किलोमीटर तक इनकी आवाज़ पूरी तरह से क्लियरली चली जाती है। नेबरिंग ट्रूप्स जो होते हैं, हियर दी कॉल्स एंड नो दी टेरिटरी इज ऑक्यूपाइड। अब क्या होता है, जो पास वाले दूसरे ट्रूप्स हैं उनको आवाज़ आ जाती है अगर इन मंकी की, इधर वाला एक ए ट्रूप है दूसरा बी ट्रूप है, ए ट्रूप बहुत तेज़ी से आवाज़ लगा रहा है कि हमने यहाँ टेरिटरी बना रखी है, बी ट्रूप को यहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है तो बी ट्रूप उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वो जानता है कि वो वाली टेरिटरी, ए पोर्शन की टेरिटरी ऑक्यूपाइड है, तो वहाँ जाने से कोई बेनिफिट ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडीज़ ऑफ लायन इन सेरेंगेटी फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इंडिया। हमने दो जगह पे स्टडी लायन की थी, सेरेंगेटी फॉरेस्ट जो अफ्रीका का था हमने इसको पहले भी डिस्कस करा था, और अग्रेशन के टाइम पे आई थिंक हमने इसको डिस्कस करा था, और दूसरी बात गिर फॉरेस्ट गुजरात इंडिया में हमने इसको देखा था। तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप टेरिटोरियलिटी के अंदर इंगेज रहते हैं। जो टेरिटोरियलिटी होती है लायन की वो डेली बिजनेस रहता है, रोज़ का काम रहता है उसको परफॉर्म करना। लायन जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं जिसको प्राइड कहते हैं, अगेन वी आर रिपीटिंग दिस पॉइंट। और टेरिटोरियल ग्रुप जो रहते हैं टिपिकली उसके अंदर सेवरल फीमेल्स होती हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जिसमें कोअलिशन ऑफ द मेल्स होता है। जनरली ब्रदर्स जो होते हैं लायन वो उसमें रहते हैं, हु आर अनरिलेटेड टू फीमेल्स, जो कि जिनका फीमेल्स के साथ कोई रिलेशन बेसिकली नहीं होता, ऐसे वहाँ पर मेल्स रहते हैं। सक्सेसफुल जो ब्रीडिंग अपीयर्स टू डिपेंड ऑन हैविंग अ टेरिटरी, अगर सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म में तो ज़रूरी है कि उसके लिए वहाँ पर एक टेरिटरी उसकी फॉर्म्ड हो।
दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, जो मेल्स रहते हैं स्पेंड मच मोर ऑफ देयर नाइट पेट्रोलिंग एंड मार्किंग अ टेरिटरी एंड ड्राइविंग अवे राइवल मेल्स. रात के टाइम पे वहाँ पर पेट्रोलिंग शो करते हैं, अपनी टेरिटरी को चेक करते हैं एज इफ देयर इज नो स्ट्रेंजर देयर. और दूसरी बात, वो दूसरे राइवल मेल्स को भी चेक करते जाते हैं वहाँ पर कि उनसे फाइट करने की ज़रूरत तो नहीं है. मेल का जो रीजन रहता है रेली लास्ट लॉन्गर देन 3 ईयर्स. किसी एक मेल की बात की जाए तो वो 3 सालों तक कम से कम उसका एरिया उसके पास रहता है बिफोर एनी अदर लाइन टेक्स टेरिटरी बाय फोर्स. तो 3 साल तक तो वो उसके पास टेरिटरी रहती है, लेकिन अगर कोई और लाइन बीच में आकर उसकी टेरिटरी उसे छीन लेगा तो वो टेरिटरी उसके पास से चली जाती है. फीमेल्स प्रोटेक्ट देयर यंग एंड अ ग्रुप ऑफ आउटर मेल्स दे डिपेंड यंग. तो अब क्या होता है कि फीमेल्स यहाँ पर अंदर रहकर कब्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है इसी टेरिटरी में. फीमेल्स प्रोटेक्ट देयर यंग एंड डिफेंड द टेरिटरी इन्वेजन बाय फॉरिन फीमेल्स. अब फीमेल का काम ये भी रहता है कि मेल अगर मेल टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरे मेल को आने से वहाँ रोक रहे हैं राइवल मेल्स को, तो फीमेल का काम ये रहता है वो दूसरी फीमेल्स को वहाँ पर एंटर होने से रोकें और अपनी टेरिटरी को डिफेंड करें. दूसरा पॉइंट यहाँ पर एलिफेंट के ऊपर आ जाता है. जो मेल एलिफेंट सील होती है, एलिफेंट के ऊपर तो नहीं कहना चाहिए था, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर इसको कह दिया. तो जो मेल एलिफेंट सील होती है उसको देखा जाए तो ये बीच के ऊपर आ जाती है, अपनी ब्रीडिंग टेरिटरी बनाती है. एक फाइट होती है बिटवीन मेल गोज ऑन, दो मेल्स के बीच में फाइट देखने को मिलती है. दे फाइट इन्फ्लेटिंग द ब्लैडर और देयर नोजेस. अपनी नोज को या फिर इनकी जो कहना चाहिए ब्लैडर होता है उसको इन्फ्लेट करते हैं, फुला लेते हैं. रोरिंग फेरोशियसली, जोर से और अजीब तरीके से ये एक दूसरे पे रोर करते हैं दो मेल्स. स्ट्राइकिंग एट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं. और किससे करते हैं? लॉन्ग कैनाइन टीथ के थ्रू. कैनाइन टीथ जो बेसिकली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है. ह्यूमंस में भी कैनाइंस होते हैं, तो क्योंकि हम लोग ओमनीवोरस काइंड ऑफ है, हम लोग वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, तो ये वाली चीज़ों की वजह से ये टीथ कॉमनली होते हैं. तो इनमें ऑर्गेनिजम्स में खास तौर पर ये टीथ बहुत बड़े और नुकीले टाइप के होते हैं. और दूसरे जो सील होती है उसकी नेक के ऊपर ये उस टीथ के थ्रू इंजर कर देते हैं, उनको मारते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले ईल के अंदर, सॉरी सील के अंदर से ब्लड भी ऊज आउट हो सकता है. तो इस तरीके से दोनों मेल्स की फाइट हो सकती है. मेल एलिफेंट सील की बात हो रही है एंड देन ब्रीडिंग टेरिटरी वहाँ पर मार्क की जाती है एंड फीमेल मेटिंग शो की जाती है. नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्पर्जल. And after dispersal, we will be left with host-parasite relationships. So stay tuned for that and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Happy learning.